हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की जबरदस्त क्लास होने वाली है। कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, उसके बाद ढेरों टाइप के सवाल, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी की कर रहे हो, यूपीएसआई की कर रहे हो, लेखपाल की कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की कर रहे हो, स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, या कहीं भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपके लिए एक ही होता है। बात समझे ना? तो उस कॉन्सेप्ट को हम इस क्लास में पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं और बहुत मजा वाला है। जल्दी से सेशन को सभी लोग लाइक कर दें और जो लोग जुड़ गए हैं जल्दी से सबको बता दें, क्लास स्टार्ट हो गई है, शेयर कर दें हर जगह। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं भाई। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखो, परसेंटेज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, इससे पिछला वाला चैप्टर जो आपने कवर किया वो परसेंटेज कवर किया, तो परसेंटेज आपने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। और ऐसा अगर आपने मेरी परसेंटेज की पूरी क्लास देख ली है, जितनी भी है आपको 13-14 जितनी भी क्लासेस वहां है, अगर आपने परसेंटेज के सारे पार्ट देख लिया ना भाई, मैं तुमको गारंटी देता हूं तुम किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ तुम्हें ऐसा ना लगेगा कि तुमने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, है ना। तुम किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे एसएससी मेंस के एग्जाम में बैठ जाओ, प्री में बैठ जाओ, हर तरह के सवाल तुम्हें बताया, जीरो टू हाई लेवल लेके गया है। होता है ना जीरो टू हीरो लेवल, ऐसा जीरो से तुम हीरो बन गए हो एकदम। बस तुम्हें सीखना है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आ रही ना? चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस बहुत ही शानदार सा एप्लीकेशन होता है परसेंटेज का ही। जिसको परसेंटेज बहुत अच्छे से आएगा उसी को प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट परसेंटेज का ही चलता है। प्रॉफिट लॉस में पूरा परसेंटेज ही होता है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बातें जो आप परसेंटेज में पढ़े हैं, जैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना या परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, उस तरह की बातों में आप अब तक एक्सपर्ट हो चुके हैं। क्यों एक्सपर्ट हो चुके हैं? क्योंकि परसेंटेज के आपने इतने ज्यादा सवाल कर चुके हैं कि आप अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में, इसके लिए आप एकदम पूरी तरह से तैयार हैं। प्रॉफिट लॉस की मैं आपसे बात करूं तो प्रॉफिट लॉस क्या होता है पहले तो ये समझो। देखो भाई, हर चीज जिंदगी में याद रखना, कोई भी ऐसा चीज नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा, आप कभी भी ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस अपने लाइफ में नहीं देखोगे जहां पे आपको प्रॉफिट या लॉस जैसी समझ में नहीं आती होगी। जैसे मान लो तुम खाना ही खा रहे हो, किसी दिन अगर 4 रोटी ज्यादा खा ली है तो हो सकता है तुम्हें लॉस हो जाए। क्या क्या हो सकता है उसके बदले तुम जानते हो कि 4 रोटी ज्यादा खाने से क्या क्या हो सकता है। बात समझ में आई ना? किसी दिन मान लो तुमने कम खाया तो तुम्हें भाई दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा क्या होता है, बराबर खाना होता है। कोई भी एक्सपीरियंस, मार्कर लेने गए पता नहीं इसका दाम कितना है, तुम गए अब इसको हानि में उठा के लाए कि लाभ में उठा के लाए, प्रॉफिट में लेके आए कि लॉस में लेके आए, तुम्हें खुद नहीं पता। तो हर जगह छोटी से छोटी आर्टिकल और बड़ी से बड़ी आर्टिकल, हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट होता ही होता है। बात समझ में? प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी सी कुछ चीजें मैं आपको पहले बता दूं जो आपको क्लियर आउट समझ में आनी चाहिए। पहले भाई एक चीज हम हमेशा वर्ड यूज करेंगे पूरे चैप्टर में, सीपी। सीपी का मतलब होता है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस। एकदम बेसिक से लेके चलता हूं, मेरी एक खास बात है, मैं उन सभी छात्रों को टारगेट करता हूं जो कभी प्रॉफिट लॉस पढ़े ही नहीं हो, जो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। और वो भी इसमें आ जाते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, फिर उनका भी टेस्ट होता है आगे चल के जब हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिसलेनियस और ढेर सारे क्वेश्चन लेके आते हैं। और ट्रिक्स ही ट्रिक्स पूरे कॉन्सेप्ट में रहती है, ये तो आप देखे ही हैं, पिछले कई चैप्टर्स आप देख रहे हैं तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, इसको हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। पूरे चैप्टर में अक्सर मैं आपके सामने एक सीपी लिखूंगा पूरे चैप्टर में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई, जब कोई चीज आप कोई खरीद के लाते हो, खरीदना सीपी का मतलब हो गया कि बाई, है ना भाई, खरीदना वर्ड से ये रिलेटेड होगा। जैसे मान लो तुमने कहा कि ये मार्कर तुम 40 रुपए में खरीद के लाते हो, यानी तुम 40 रुपए में खरीद के लाए, तो ये इसका सीपी हुआ, खरीदना यानी कि सीपी। बात समझ में? पूरे चैप्टर में हम एक और टॉपिक की बात करेंगे, एक और शब्द का यूज करेंगे, दैट इज एसपी। व्हाट इज एसपी? इट इज सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ रही भाई? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आप इसको कह सकते हैं। विक्रय मूल्य का मतलब बेचना। जब आप कोई चीज बेचते हो तो जिस पैसे में बेचते हो वो आपका एसपी होता है, उसी को कहा जाता है एसपी, उसी को कहा जाता है सेलिंग प्राइस। जैसे मार्कर तुमने 50 रुपए में बेच दिया, तो बेच दिया, जब भी तुम्हारे दिमाग में ये वर्ड आएगा ना कि बेच दिया, बेच दिया, कहीं भी तुमने सुना कि बेच दिया, तो बेच दिया का मतलब डायरेक्ट एसपी निकल के आता है कि हाँ भाई वो एसपी के बारे में कह रहा है, सेलिंग प्राइस के बारे में कह रहा है, विक्रय मूल्य के बारे में कह रहा है। और अगर
खरीद लिया बोल दिया या खरीदना ऐसा वर्ड यूज किया गया है, तो वहां पे जो चीज निकल के आती है वो सीपी आती है, कॉस्ट प्राइस आती है, जिसको क्रय मूल्य कहा जाता है। सीपी को एक और नाम से जाना जाता है, अक्सर सवालों में यूज किया जाता है, एग्जाम में भी और बुक्स में भी, दैट इज लागत मूल्य। ठीक है भाई, लागत मूल्य भी कहीं लिखा जा सकता है, तो उसका भी मतलब सीपी हुआ, हिंदी में उसको लागत मूल्य भी कहा जाता है। तो ये आपका पूरा बेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो अब तुम्हें यहां से एक चीज समझ में आ गई कि सीपी का मतलब हो गया खरीदना और एसपी का मतलब हो गया बेचना। ठीक है, ये दो बातें तुम्हें समझ में आ गई। अब जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि सीपी मान लो इस मार्कर का 40 रुपया है। ठीक है भाई, मार्कर का जो सीपी है वो 40 रुपया है, और मान लो कि आपने इसको बेच दिया 50 रुपए में। ठीक है, अब बताओ मुझे जरा यहां से कि आपको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो आप कहोगे 40 रुपये में खरीद के लाए थे और 50 रुपये में बेच दिए, 40 में खरीद के लाए 50 में बेच दिए, इसका मतलब यहां से लाभ समझ में आ रहा है कि आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। लाभ का मतलब जो आपको एक्स्ट्रा मिले, आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा आए, तुम 40 ही इन्वेस्ट किए थे सब मिला जुला के और 50 रुपए तुम्हें वापस मिल रहे हैं, मतलब तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा जो मिलता है उसी को प्रॉफिट कहा जाता है, उसी को लाभ कहा जाता है। यानी कि जब भी याद रखना, कभी भी अगर एसपी का मान सीपी से बड़ा हुआ, अगर बेचने वाला दाम खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा हुआ, अगर विक्रय मूल्य का दाम क्रय मूल्य से ज्यादा हुआ, अगर सेलिंग प्राइस का दाम कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हुआ, तो ऑल द केस में आपको हमेशा लाभ होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कब होगा प्रॉफिट? जब आप कहेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब एसपी सीपी से ग्रेटर होगा, मतलब बड़ा होगा, तो उस केस में आपको प्रॉफिट होगा। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो तुमने सीपी मान लो 40 रुपए का मार्कर खरीद के लाया और तुम्हें पता नहीं, तुमने इसको बेच दिया 50 रुपए में, 30 रुपए में, सपोज करो तुमने इसको बेच दिया 30 रुपए में। अब भाई मार्कर तुम कहीं से खरीद के ला रहे हो 40 का, और तुमने कहा कि तुम इसको सेल कर दोगे 30 में, इसका मतलब तुम घाटा सह रहे हो ना। तुम्हारे पॉकेट से गया था 40 रुपया और वापस 30 ही रुपया आ रहा है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपको हानि हुई है। यानी कि इस केस में अगर मैं आपसे कहूं कि एससीपी अगर बड़ा हो जाए या फिर एसपी अगर छोटा हो जाए, याद रखना कैसे बड़ा छोटा का सिंबल डिसाइड करते हैं, तो सीसीबी के अंतर्गत मैंने आपको कई बार बताया है मेरे भाई कि जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। बस में छोटी छोटी बातों के अंतर्गत यहां से इसका मतलब तुम्हें होगा हानि। क्या होगा? हानि यानी कि लॉस होगा। कब लॉस होगा? जब आपका सीपी बड़ा होगा, जब आपका क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, जब आपका खरीदने वाला पैसा बेचने वाले से ज्यादा होगा, तब तुम्हें हानि होगी। बस में ये बात तो तुम समझ गए। यहां से तुम्हें यह भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या समझ में आया भाई? अगर एसपी बड़ा है तो लाभ होगा और सीपी बड़ा है तो हानि होगी। ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब जरा समझते हैं वैसे लाभ क्या होता है। तो देखो, लाभ के बारे में मैं आपसे कहूं, पूरी क्लास को अगर आपने देख लिया ना परसेंटेज, ये प्रॉफिट एंड लॉस की, तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट, और याद रखना मेरे भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉन्सेप्ट जो होता है वो हर एग्जाम के लिए एक ही होता है। ऐसा नहीं कि एसएससी के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, यूपीएसआई के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, लेखपाल के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, टेट के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही होता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिफर करता है, कहीं लेवल हाई होता है, कहीं लेवल लो होता है। बाकी परसेंटेज हर जगह तुमको वही चीज बताऊंगा मैं, है ना। प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं, हर जगह तुम्हें वही चीज बताऊंगा, सीपी और एसपी क्या है, कैसे लाभ आती, कैसे हानि होती, वो हर जगह सेम होता है। बात समझ में? केवल क्वेश्चन के लेबल डिफर्स करते हैं हर जगह। ठीक है, लाभ, अब लाभ हमें निकालना है कि लाभ कैसे होगा। तो देखो, लाभ के बारे में आपने क्या कहा? सर जब एसपी बड़ा होगा तब लाभ होगा, तुमने ये बात कहा है। एसपी जब बड़ा होगा तब लाभ होगा, यानी कि अगर तुम्हें लाभ निकालना है तो तुम एक काम करो, एसपी में से सीपी को घटा दो, तुम्हारा लाभ आ जाएगा। एसपी में से सीपी को घटा दोगे तो तुम्हारा लाभ आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां से समझो, एसपी को आपने अगर सीपी में से घटा दिया तो तुम्हारा लाभ आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि हानि कैसे आएगा, है ना। तो हानि के बारे में मैं आपसे बोल रहा हूं, तो देखो ध्यान से, हानि कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, आपने हानि कब बताया? हानि कब होगा? हानि तब होगा जब एसपी छोटा होगा, किससे? सीपी से। यानी जब सीपी बड़ा होगा तब तुम्हें हानि होगा।
सीपी जब बड़ा होगा तब तुम्हें हानि होगा, यानी कि अगर तुम्हें हानि निकालना है मेरे भाई तो आपको सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक कर देना होगा, तब जाके तुम्हारी हानि आ जाएगी। भाषण में मतलब अगर लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी करना है, और अगर हानि निकालना है तो सीपी माइनस एसपी करना है। भाषण में कॉन्सेप्ट कॉमन सा है, जब आप इसको सवालों में समझोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप पेन चलने लगती है। बात समझ में आ रही ना? अभी बस समझते रहो बात को कि कैसे किस पे क्या डिफर करता है। चलो अभी एक और कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैं आपको बोलूं कि किसी भी वस्तु पे लाभ हुआ है या हानि हुआ है ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन डिसाइड करता है, सीपी या एसपी? किसी भी वस्तु पे लाभ हुआ है या हानि हुआ है ये कौन आपको बताएगा, किसके थ्रू आप जान जाओगे कि हाँ भाई इस पे लाभ हुआ है या इस पे हानि हुआ है, कौन सी चीज के बारे में? आप सीपी के बारे में जानोगे तब पता चलेगा, या एसपी के बारे में जानोगे तब पता चलेगा? किसका मूल्य पता होना चाहिए ताकि आप आसानी से डिसाइड कर सको कि सीपी आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रॉफिट या लॉस है वो किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे डिपेंड करता है कि एसपी पे डिपेंड करता है? अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो कि आपकी एक मार्कर, ये जो मार्कर मैंने हाथ में ले रखा है इसी की शॉप है सपोज करो, है ना, वो आपके पिताजी की शॉप है। अब पिताजी ने मार्कर, मान लो आप गए पिताजी की शॉप पे, ठीक है भाई। अब मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, जैसे मान लो मैं गया आपकी दुकान पे और मैंने कहा मुझे मार्कर दे दो। अब तुमने मार्कर मुझे सपोज करो कि 50 रुपए में दे दिया, है ना, 50 रुपए में दे दिया। तुम्हें नहीं पता मार्कर का दाम कितना है, मैं गया आपसे मार्कर मांगा, आपने मुझे 50 रुपए में मार्कर दे दिया। अब ये बताओ 50 रुपया में आपने मुझे मार्कर बेच दिया, 50 रुपया में आपने मुझे मार्कर बेच दिया, यानी 50 रुपया उसका सीपी हो गया, एसपी हो गया। आपके लिए क्या हुआ, 50 रुपया एसपी हो गया। अब आप अपने पिताजी से क्या ये बता सकते हैं कि आपको लाभ हुआ है या हानि हुआ है? आप ये बात अपने पिताजी को बता पाएंगे कि आपको कितने रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए का हानि हुआ है? रुपया तो छोड़ो, क्या तुम ये बता सकते हो कि हां इस पे मैंने लाभ पे बेचा है या हानि पे बेचा है? तो आप नहीं डिसाइड कर सकते। मतलब अगर आपको एसपी पता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। लेकिन सपोज करो कि मैं आपके दुकान पे गया और आपको मार्कर का मूल्य पता है कि मार्कर मुझे 40 रुपए में खरीद के तुम लाए हो, तो अब 40 रुपए में तुम खरीद के लाए हो तो तुम आसानी से ये डिसाइड कर लोगे भाई कि इसको लाभ पे बेचना है कि हानि पे बेचना है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होती है वो एसपी पे डिपेंड नहीं करती है, सेलिंग प्राइस पे डिपेंड नहीं करती है, बिक्रय मूल्य पे डिपेंड नहीं करती है। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो सीपी के दाम पे डिपेंड करती है, वो क्रय मूल्य पर डिपेंड करती है, वो लागत मूल्य पर डिपेंड करती है, वो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करती है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता है तो आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इसको लाभ पे बेचना है या मुझे इसको हानि पे बेचना है। जबकि एसपी अगर आपको पता हो तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि आपने इसको लाभ पे बेचा है या हानि पे बेचा है। कौन बताएगा, सीपी बताएगा। यानी कि मैं यहां से आपको बहुत ही प्यारी सी बात बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं मेरे भाई, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसका जो बेस होता है या इसका जो आधार होता है या ये जिस पे डिपेंड करता है वो कौन होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी ही इसका आधार होता है। याद रखना हमेशा कि कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो आधार होगा वो सीपी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो डिपेंड करेगा वो सीपी पे डिपेंड करेगा। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो, अब यहां से मैं आपको बताता हूं कुछ बातें। जैसे आपने क्या कहा था, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, है ना भाई। अब मान लो तुमसे किसी ने कहा कि लाभ प्रतिशत बताओ कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो अगर आपको लाभ प्रतिशत बताना है तो आप कैसे बताएंगे, लाभ प्रतिशत अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताएंगे? देखो लाभ प्रतिशत अगर बताना है तो लाभ बटे में, अब बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का बेस कौन होता है, मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस का आधार कौन होता है, तो आप कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस का आधार सीपी होता है, तो लाभ बटे सीपी गुणे 100, या फिर प्रॉफिट परसेंट अगर आपसे किसी ने पूछा तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कह सकते हैं। फॉर्मूला बस याद नहीं रखना, किताबों में लिखा होता है, अच्छा लगता है इसलिए तुम्हें बता दे रहा हूं। सवाल में तुम्हें कभी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें पता है मैथ जब भी मैं पढ़ाता हूं तो विदाउट फॉर्मूले पढ़ाता हूं, फॉर्मूले तुम्हें नहीं रटना पड़ता है मैथ में कभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, ऐसे ही हानि की बात करें कि हानि बराबर क्या होता है,
लॉस बराबर क्या होता है, तो तुम कहोगे सीपी माइनस एसपी होता है, है ना भाई। तो अगर आपसे किसी ने कहा कि बताओ हानि प्रतिशत क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट भाई, हानि बटे में कौन, सीपी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का बेस कौन होता है, सीपी होता है, और इनटू में 100 हो जाएगा, तो ये आपका हानि प्रतिशत आ गया। बात समझ गए, ये आपका क्या आ गया, हानि प्रतिशत आ गया। यानी हानि प्रतिशत भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत मतलब लाभ बटे सीपी गुणे 100। याद रखना बटे में हमेशा सीपी ही होता है, याद रखना बटे में हमेशा सीपी होता है, डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होता है, हर में हमेशा क्रय मूल्य ही होता है, जब भी आप परसेंट की बात करोगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेस होता है वो सीपी होता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का बेस अगर सीपी होता है मेरे भाई, तो अब यहां से समझो थोड़ा सा, और भी कुछ बातें तुम्हें बता दूं कि याद रखना सीपी को ही हमेशा हम सवालों में कोशिश करते हैं कि 100% माने, क्योंकि जब यही प्रॉफिट लॉस का बेस होता है, यही इसका इनिशियल प्राइस होता है, यही इसका आधार होता है, तो इसी को हमेशा आपको 100% मानना होगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेस होता है वो हमेशा 100% माना जाता है। अब एक और चीज समझो, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेस होता है वो 100% होता है, ये तो तुम्हें पता चल गया। लेकिन अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि एसपी कैसे आता है, तो एसपी जो निकल के आता है वो प्रॉफिट और लॉस इन सीपी होता है। एसपी क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस इन सीपी होता है। एसपी का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस इन सीपी। अब इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस इन सीपी, यानी कि एसपी बराबर किस में प्रॉफिट लॉस, सीपी में, यानी कि सीपी इनटू में प्रॉफिट लॉस, यानी कि 100 में ही प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा और लॉस होगा तो घटेगा, डिवाइड बाय 100। ये आप कह सकते हैं कि एसपी सीपी में रिलेशन भी बन गया, यही किताबों में फॉर्मूला ऐसे ही डिराइव किया जाता है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख लो। आप जब थियरी चेक करते हो कि आपने थियरी में क्या क्या पढ़ा है क्या क्या नहीं पढ़ा है, तो वहां पे कभी कभी काम आ जाता है, बाकी इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन लगाने में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में चलने लगेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि टैगलाइन तो यहां लिखी हुई है, ये आपकी टैगलाइन है इसके लिए, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस इन सीपी इक्वल्स टू एसपी, ये आपकी टैगलाइन है, ये तो वही से बना हुआ है, तो ये तो आप आसानी से डिराइव कर लोगे। यानी एसपी बराबर सीपी इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन में 100 होता है, एसपी बराबर सीपी इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन में 100 होता है, ये आप समझ गए आसानी से। चलो अब यहां से अगर मान लो तुमसे किसी ने कहा कि सर बताओ फिर सीपी का मान कैसे निकालेंगे, तो अगर यहीं से तुमसे किसी ने कह दिया कि तुम सीपी बताओ, तो आसानी से बता सकते हो भाई, देखो ये 100 इधर आ जाएगा, यानी एसपी इनटू में 100 अपॉन में, ये 100 प्लस माइनस नीचे आ जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ये आपका सीपी का फॉर्मूला आ गया। ये ही कॉन्सेप्ट है, बस ये सब बस जानना है तुम्हें, बस जानते रहो, और किसी काम का तो बहुत ज्यादा है नहीं आपके लिए, बस जानते रहो कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है भाई। अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, जो आपको समझना है। देखो मैंने आपको क्या बताया, सीपी को हमेशा हम 100% मानते हैं, सीपी को हमेशा हम 100% मानते हैं। याद रखना अगर सीपी में तुम्हें प्रॉफिट लाना है, अगर मान लो तुमसे किसी ने कहा कि सर इसमें 20% का प्रॉफिट हो गया है, अगर 20 का प्रॉफिट हो गया है मेरे भाई, तो यहां से एसपी निकल के आता है। कैसे? मैंने आपको क्या बताया, एसपी बराबर प्रॉफिट एंड लॉस इन सीपी। यानी कि अगर आपको एसपी बताना है, 100% सीपी था, 20 का लाभ हुआ है, मान लो 100 रुपए की सामान खरीदे और 20 रुपए का तुम्हें फायदा हो गया, तो तुम्हारा तुमने उसको कितने में बेचा है, कितने में बेचा है, तो आप कहोगे सर 120 में, यानी एसपी बराबर 120% हो गया। यानी यहां से आप कह सकते हैं कि एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। अगर सीपी में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आपका एसपी निकल जाएगा। अब यहां से बताओ, अगर मान लो तुमसे किसी ने कहा 35% की प्रॉफिट है, तो आप बताओ एसपी कितना हो जाएगा। आपने क्या कहा, सीपी में प्रॉफिट जोड़ने से एसपी आता है, सीपी में 100 है, 100 में 35 जोड़ देंगे तो 135 आ गया भाई, ये तुम्हारा एसपी आ गया। यही कॉन्सेप्ट हम सवालों में यूज करने वाले हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे मान लो तुमसे किसी ने कहा कि तुम्हें लॉस हो रहा है, मान लो भाई किसी ने कहा कि 10% का लॉस है, अब बताओ अगर 10% का लॉस है मेरे भाई, तो अब बताओ एसपी क्या आ जाएगा। देखो 100 रुपए की सामान थी, 10 रुपए तुमने घाटे में बेच दिया है,
नुकसान कर लिया आपने 10 रुपए का, तो 100 की समान 10 का नुकसान यानी कितना भाई 90%। यानी कह सकते हैं आप क्या कि एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस, ये भी आप बना सकते हैं। एसपी बराबर क्या होता है सीपी माइनस लॉस। अब देखो ध्यान से यहां पे तुम्हें और भी कुछ बातें समझा रहा हूं। सपोज करो किसी ने कहा कि आपको 12.5% का लॉस है, तो अब बताओ एसपी कितना आ जाएगा। आपने क्या कहा सीपी में से लॉस घटा दो आपका एसपी आ जाएगा, यानी लॉस 12.5 का है। 12.5 यानी कि भाई बताओ तुम जरा मुझे बताओ ये सी एसपी कितना है 100 में से अगर 12.5 घटाओगे तो एसपी कितना हो जाएगा 87.5%, ये तुम्हारा एसपी आ जाएगा। सवाल भी कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लो, है ना, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, मजबूत बन जाओ। जीरो से उनको भी सीखने दो जो कभी नहीं पढ़े प्रॉफिट लॉस, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं उनको सीखने दिया करो, ठीक है भाई। चलो ये समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। मतलब यहां से क्या दो ही लाइन आपको समझनी है, यहां से एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट और एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। मतलब अगर सीपी में प्रॉफिट कर दोगे तो भी एसपी निकल के आएगा, और अगर सीपी में लॉस कर दोगे तो भी एसपी निकल के आएगा। बात समझ में आई, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। देखो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे मान लो तुमसे किसी ने कहा कि 20% का प्रॉफिट है ना। अब फ्रैक्शन वाले मेथड को समझाने जा रहा हूं मैं आपको, कैसे फ्रैक्शन वाला मेथड हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है। तो याद रखना 20% का प्रॉफिट है, यानी कि अगर आप 20% को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1/5। मैंने आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई है, क्या बताई है कि सीपी जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का आधार होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का आधार कौन होता है, तो सीपी होता है। यानी ये जो 5 है ये क्या होगा सीपी होगा, ये जो 5 है ये क्या होगा, तो 5 हमारा सीपी होगा। बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि फिर ये 1 क्या है, तो 1 जो हमारा होगा वो प्रॉफिट शो करेगा, क्योंकि सवाल में प्रॉफिट है। यानी 5 यूनिट आपकी सीपी थी और 1 यूनिट आपको प्रॉफिट हुआ है। 5 यूनिट तुम्हारी सीपी थी और 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो यहां से अगर किसी ने कहा कि फिर बताओ एसपी कितना हो जाएगा, अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, 5 यूनिट तुम्हारा सीपी मतलब 5 रुपया में तुम कोई सामान खरीद के लाए हो, 1 रुपया के फायदे में बेच रहे हो, तो कितना रुपया में बेचोगे। 5 रुपए के सामान खरीद के लाए 1 रुपया के फायदे में बेच रहे हो, यानी तुम 6 रुपया, यानी एसपी आपका 6 हो जाएगा। तो अब आप आसानी से समझ गए क्या, 20% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो जो नीचे होगा, जो आधार में होगा, जो हर में होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा, वो हमेशा के हमेशा क्या होगा सीपी होगा, और जो ऊपर होगा वो प्रॉफिट या लॉस की यूनिट होगी। अगर यहां लॉस होता तो 1 का लॉस हो जाता, क्योंकि प्रॉफिट था तो 1 का प्रॉफिट है, 5 रुपए की समान 1 का प्रॉफिट 6 में बेचोगे। समझ में आ रहा है। चलो अब इसी को और प्यार से बताऊं। जैसे मान लो किसी ने कहा 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ है। अब 33 सही 1/3% का प्रॉफिट है, इसका मतलब अगर इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/3 आया। बताओ सीपी कितना, सीपी आप कहोगे 3 हो जाएगा, और मैं जानना चाहता हूं कि आप बताओ यहां से एसपी कितना होगा। सीपी अगर 3 होगा तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि एसपी कितना होगा, आप आसानी से मुझे लगता है बता लोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी ने कहा 16 होल नंबर 2/3% का लॉस हुआ है, क्या हुआ है भाई लॉस हुआ है। अगर 16 होल नंबर 2/3% का लॉस हुआ है, हाँ यहां पे आपका एसपी बहुत अच्छी बात है कि 4 आएगा। क्यों भाई, 1 की प्रॉफिट है, 3 आपका सीपी है, प्रॉफिट सीपी में जब जुड़ता है तो एसपी आ जाता है। बात समझ में आ गई ना, तो 1 का आपको आपका एसपी कितना हो जाएगा 4। अब ये लिखा है 16 होल नंबर 2/3% की लॉस है। अब पहले तो तुम्हें परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए। ये 16 होल नंबर 2/3% याद करो वो दिन, कौन सा परसेंटेज वाला, जब मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था 16 होल नंबर 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/6 हो जाएगा। 16 होल नंबर 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6। अब बताओ लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, बेस तो हमेशा सीपी होगा ना, यानी इसका सीपी हो गया 6, है ना भाई, और 1 की प्रॉफिट है, यानी एसपी कितना हो जाएगा 6 सीपी और 1 की प्रॉफिट, यानी एसपी तुम्हारा कितना, सॉरी
यहां देखो सीपी तुम्हारा 6 हो गया और सवाल में क्या लिखा है, लॉस लिखा है, लॉस मतलब घटता है, यानी एसपी। अब बताओ 6 रुपया तुम्हारा सीपी है सपोज करो और एक का लॉस हुआ है, 6 रुपया में सामान खरीद के लाए और 1 रुपया के नुकसान में बेच दिए, यानी कितना बेच दिए, 5 रुपया में बेच दिए, तो एसपी आपका 5 हो जाएगा, है ना भाई। लॉस जब होता है तो सीपी में से घट जाता है और प्रॉफिट जब होता है तो सीपी में जुड़ जाता है, बस यही कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कहीं लिखा है 37 होल नंबर 1/2% का लॉस हुआ है, अब बताओ इसमें तुम्हारा सीपी कितना होगा और एसपी कितना होगा, ये दोनों बातें आपको बतानी है। चलो भाई बताओ इसका, देखो लाइट कट गई थी इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। 37 होल नंबर 1/2% का आपको लॉस हुआ है, अब तुम्हें बताना है कि इसमें सीपी कितना होगा और एसपी कितना होगा। अब बताओ यहां से देखो ध्यान से, एकदम कुछ नहीं रखा, पहले तो तुम्हें परसेंटेज की बात यानी होनी चाहिए, क्या 37 होल नंबर 1/2% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, तो 3/8 होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब 3/8 में सीपी आपका 8 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जो बेस वैल्यू होता है उसी को सीपी कहा जाता है, यानी सीपी तुम्हारा 8 हो गया। 3 जो ऊपर 3 दिख रहा है वो क्या है, तो जो ऊपर 3 दिख रहा है वो लॉस है, यानी कि 8 रुपया अगर तुम्हारा सीपी हो, 3 का तुम्हारा लॉस हो, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो एसपी आपका हो गया 5। तो मुझे लगता है कि अब आप फ्रैक्शन वाली बात बहुत आसानी से समझ गए कि हाँ भाई एसपी और सीपी क्या होता है, कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, ये सारी बातें तुम समझ गए हो। यानी कि पूरी बात को अगर मैं आपके लिए रिवीजन करूं स्टार्टिंग से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, जितने में तुम खरीद के लाते हो। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, यानी जितने में तुम बेचते हो। लाभ कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है, और हानि कब होता है, जब एसपी छोटा होता है। लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, और हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। ये पूरी बात को रिकॉग्नाइज करा रहा हूं आपके लिए, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का बेस हमेशा सीपी होता है, इसलिए बेस में हमेशा सीपी लिखा जाता है। हानि परसेंट लिखना है तो हानि अपॉन सीपी गुणे में 100। एसपी सीपी में संबंध वो तुमने देखा है, एसपी बराबर होता है प्रॉफिट एंड लॉस इन सीपी, यानी सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 बराबर एसपी आ जाएगा। ये बात भी तुम समझ गए, देखो ये सारी बातें यहां पे लिखा है ना, देखो यहां देखो क्या लिखा है, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100, ये हो गया, ये सीपी, ये हो गया, सब हो गया। अब यहां से तुमको अगला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, कैसे परसेंटेज को जोड़ते हैं। हमेशा सीपी को 100 क्यों माना जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का बेस हमेशा 100 ही, हमेशा सीपी होता है, इसलिए सीपी को हमेशा 100 माना जाता है। प्रॉफिट हुआ तो 100 में जोड़ देंगे तो एसपी निकल के आ जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो 100 में घटा देंगे, एसपी निकल के आ जाएगा। ये बात आपको मैंने यहां पे बताया कि भाई देखो अगर लॉस को सीपी में से घटाओगे तो भी एसपी आएगा, या फिर अगर प्रॉफिट को सीपी में जोड़ोगे तो भी आपका एसपी आएगा। बात समझ में आई। अगला चीज मैंने आपको क्या बताया, फ्रैक्शनल कैसे कन्वर्ट करते हैं। 20% का प्रॉफिट 1/5 हुआ, यानी जो नीचे होगा वो हमेशा सीपी होगा और ऊपर जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा। 5 यूनिट आपकी सीपी है, 1 यूनिट आपका प्रॉफिट लॉस शो कर रहा है, यानी एसपी आपका 6 हो जाएगा। परसेंटेज में इस तरह की बातें तुमने बहुत बार सीखी है, इसका यूज हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी करेंगे, इसीलिए यह चीज आपको सिखा रहा हूं। 33 होल नंबर 1/3% का प्रॉफिट, यानी 1/3 आया इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। अभी कैसे आ रहा है ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूं कि कैसे मैं 1/3 लिख दे रहा हूं या कैसे मैं 1/6 लिख दे रहा हूं। ये जाके मेरी परसेंटेज की सारी क्लास देखो, उसमें मैंने सिखाया है। स्टार्टिंग की पहली क्लास भी देख लोगे तो ये तुम सीख जाओगे, है ना, प्लेलिस्ट में पड़ी है परसेंटेज की क्लास। जो लोग नहीं जानते वो जाके देखें, जीरो से हीरो अगर बनना है तो आपको सारी क्लास देखनी होगी शुरू से लेकर लास्ट तक। बात समझ में आ रही है। तो ये 1/3 सीपी आपका 3 हो जाएगा, एसपी आपका 1 का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट दिखा रहा है तो 4 हो जाएगा। लॉस अगर कहेगा तो घटा देंगे, जैसे 16 होल नंबर 2/3% का मतलब 1/6 होता है, 6 आपका सीपी है, 1 का आपका लॉस है, यानी 5 हो जाएगा एसपी। और फिर मैंने आपको वही चीज यहां पे भी समझाई कि अगर मान लो कहीं पे लिखा है 37 होल नंबर 1/2% का मतलब होता है 3/8, और 3/8 में 8 जो होगा आपका वो सीपी होगा, और जो 3 होगा वो लॉस दिखा रहा है, यानी 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आपका सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। बात समझ में आई। ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा है
है ना भाई। अब इस पे सवालों को हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्लास से, जब मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को सवाल में कन्वर्ट करूंगा और ढेर सारे सवाल करने वाले हैं अगली क्लास में। बात समझ में ना? तो चलिए, मुझे लगता है कि आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, हर जगह बता देना, और कल एग्जैक्ट टाइम पे अवेलेबल रहना, क्योंकि कल हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस में। और कल से धुआंधार, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया, अब खाली धुआंधार सवाल ही सवाल चलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अच्छे अच्छे। बात समझ में आई ना? तो होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, लव यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।